अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इन ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि कंप्यूटर रिसोर्सेज यानी कि सीपीयू, सॉफ्टवेयर एंड मेमोरी वगैरह जो हैं वो प्रोटेक्ट हों, लेकिन इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम और डाटा भी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में इंक्लूड है। मतलब ये कि कंप्यूटर रिसोर्सेज के साथ साथ आपका सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम और डाटा भी सिक्योर हो। तो सिक्योरिटी किसको रेफर करती है प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन रेफर्स टू अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल एक्सेस बाय प्रोग्राम, प्रोसेस और यूजर्स टू द सिस्टम एंड रिसोर्सेज। मीनिंग टू से प्रोटेक्शन जो है एक ऐसे मैकेनिज्म को रेफर करती है जिसके तहत हम एक्सेस को कंट्रोल करते हैं, यानी कि प्रोग्राम की एक्सेस, प्रोसेस की एक्सेस और यूजर की एक्सेस। सो इन सिंपल, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो प्रोटेक्टेड और सिक्योर हो, तो हमें क्या करना है, हमें अनऑथराइज्ड एक्सेस, वायरसेस और वर्म्स वगैरह को से उसको जो है वो प्रोटेक्ट करना है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डिफरेंट जो है वो थ्रेट्स का खतरा हो सकता है, जिनमें एक तो प्रोग्राम थ्रेट्स होते हैं और सिस्टम थ्रेट्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम थ्रेट्स कौन से होते हैं जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को खतरा या उसको थ्रेट एक एज अ कंसिडर करते हैं जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि नाम तो जाहिर हो रहा है कि ये प्रोग्राम थ्रेट्स हैं। प्रोग्राम क्या होता है? कोई भी इनकोडिंग जो हम टाइप करें और कंप्यूटर को हम कहते हैं कि ये करो, वो प्रोग्राम है, यानी कि सिंपली इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम या सीपीयू का काम ये होता है कि उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। हमारा सिस्टम जो है वो खुद डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो वैलिड है, उसने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसको एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोग्राम थ्रेट्स क्या होंगे? जब हमारा प्रोग्राम, यूजर प्रोग्राम ही ऐसा मलिशियस टास्क परफॉर्म करने को कह रहा है सिस्टम को, तो वो प्रोग्राम थ्रेट्स होंगे। इफ़ आई यूजर प्रोग्राम मेड दीज प्रोसेस डू मलिशियस टास्क, देन इट इज़ नोन एज प्रोग्राम थ्रेट्स। प्रोग्राम थ्रेट्स की एक लिस्ट है जिसमें डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम थ्रेट्स हो सकते हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो है एक ऐसा प्रोग्राम थ्रेट है जो कि किसी और एप्लीकेशन में छुपा हुआ होता है, जो कि ऐसी एप्लीकेशन जो कि हमें हार्मलेस लगती है। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन सेवर और गेम वगैरह में ये थ्रेट जो है शामिल होता है। सच प्रोग्राम ट्रैप यूजर लॉग इन क्रीडेंशियल्स एंड स्टोर्स देम टू सेंड टू मलिशियस यूजर हु कैन लेटर टू लॉग इन टू कंप्यूटर एंड एक्सेस सिस्टम रिसोर्सेज। होता क्या है कि जब आप कोई ऐसी गेम डाउनलोड करते हैं जिसमें प्रोग्राम ऐसा इंक्लूड होता है जो कि आपके सिस्टम के लिए खतरा होता है, तो वो प्रोग्राम क्या करता है, खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है उसी एप्लीकेशन के साथ आपके सिस्टम में। तो फिर वो उस सिस्टम में यूज़र के लॉगिन एंड पासवर्ड वगैरह को चोरी कर लेता है या स्टील कर लेता है, और उसको थ्रू अ नेटवर्क जब हमारा कंप्यूटर जो है कनेक्ट होता है तो उसको पीछे जो है वो उस मलेशिया यूज़र के पास सेंड करता रहता है। तो इस तरह कंप्यूटर से जो यूज़र है उसके लॉगिन क्रीडेंशियल, पासवर्ड, यूज़र नेम, ये सब कुछ जो है वो चोरी हो जाता है। तो वो फिर इजीली दोबारा लॉगिन करके आपके कंप्यूटर तक एक्सेस या सिस्टम रिसोर्सेज तक एक्सेस हासिल कर सकता है। सो अदर टाइप जो है प्रोग्राम थ्रेट की, वो है ट्रैप डोर। ट्रैप डोर क्या करता है कि ये प्रोग्रामर जब आपका सॉफ्टवेयर किसी कंपनी का या किसी के लिए बना रहा होता है तो उसी में ही कुछ ऐसा होल क्रिएट कर देता है कि वो दोबारा मिसयूज़ कर सके उसको। ऑब्वियसली जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो हमने खुद नहीं बनाए होते, वो किसी और ने बनाए होते हैं। इस तरह कंपनी जो एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही होती है वो भी किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से जो है वो बनवाती है। तो वो डेवलपर्स क्या करते हैं, प्रोग्रामर क्या करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर में ही कुछ एक ऐसा होल या ऐसा एक पॉइंट छोड़ देते हैं जिससे वो दोबारा उस तक एक्सेस हासिल कर सके। सिर्फ वही जानते हैं, फिर उसी रास्ते से वो इलीगल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं जिससे यूज़र को कोई पता नहीं चलता। तो इसको हम जो है वो ट्रैप डोर कहते हैं। इस तरह के थ्रेट्स को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये सोर्स कोड में ही इंक्लूड होते हैं, और सोर्स कोड जो है वो सॉफ्टवेयर का बहुत मिलियंस ऑफ लाइंस पे मुश्तमिल होता है। तो वहाँ से आपको ये फाइंड आउट करना कि कौन कहाँ पे जो है वो कोड इलीगल है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह के जो थ्रेट्स हैं उनको फाइंड आउट करना काफ़ी टफ होता है। थर्ड टाइप है इसकी लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब यानी कि इसको हम टाइम बॉम्ब भी कहते हैं। सिमिलरली बॉम्ब की तरह ही ये वर्क करता है, यानी इसमें क्या करता है, ये एक मलिशियस प्रोग्राम होता है दैट इज़ ट्रिगर्ड व्हेन आ लॉजिकल कंडीशन इज मेट। ये भी जो है प्रोग्रामर ही ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग के आपके सॉफ्टवेयर में जो या किसी भी सॉफ्टवेयर में इसको सेट करते हैं कि ऐसी कंडीशन जिसके पूरी होने के बाद जो है आपका सिस्टम के लिए वो एक खतरा बन जाए।
लॉजिक बॉम्ब इसका नाम भी इसीलिए रखा गया, जैसे कि एक टाइम बॉम्ब का आप टाइम सेट करते हैं, टाइम के बाद वो एक्सप्लोड कर जाता है। सिमिलरली इसके लिए एक लॉजिकल कंडीशंस को सेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसी कंडीशन हो सकती है कि कंपनी के एक सॉफ्टवेयर में एक ऐसी कंडीशन सेट की गई है कि जब कोई एम्प्लॉय लीव करे उसकी पीछे से जो सारी हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाए। तो रिकॉर्ड का ख़त्म हो जाना या डिलीट हो जाना कंपनी के लिए कितना नुकसानदायक होता है, क्योंकि एक कंपनी के लिए उसका डाटा जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज उसी डाटा के बेस पे वो नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग कर रही होती है, कंक्लूजन निकाल रही होती है, ठीक है, और डिफरेंट जगह पे भी वही डाटा यूज़ कर रही होती है। तो इस तरह के जो थ्रेड्स होते हैं वो प्रोग्राम में इंक्लूड होते हैं जो कि यूज़र को पता नहीं चलता जल्दी, और एट द एंड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है, एक अभी हमने जो प्रोग्राम थ्रेड्स को डिस्कस किया, अब हम देखते हैं कि जो कॉमन थ्रेड्स में दूसरा थ्रेड है वो है सिस्टम थ्रेड। बेसिकली जो सिस्टम थ्रेड हैं वही जो है प्रोग्राम थ्रेड्स का बायस बनते हैं। कैसे? सिस्टम थ्रेड्स किसको कहते हैं कि मिस यूज ऑफ सिस्टम सर्विसेज एंड नेटवर्क कनेक्शन टू पुट यूज़र इन ट्रबल, कि यानी कि जब यूज़र जो है वो कनेक्शन से या नेटवर्क कनेक्शन से इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसके थ्रू एक आप रास्ता जो हैकर्स हैं वो बना लेते हैं सिस्टम तक एक्सेस का, तो उसको हम सिस्टम थ्रेड्स कहते हैं। फिर सिस्टम थ्रेड से जो है वो आगे प्रोग्राम थ्रेड्स लॉन्च किए जाते हैं। सिस्टम थ्रेड्स क्रिएट सच एन एनवायरनमेंट दैट ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज आर मिसयूज्ड। तो किस तरह से मिसयूज होते हैं, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं सिस्टम थ्रेड्स की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वायरसेस। ये तो कॉमन कंप्यूटर अटैक है, तो ये है जो होते हैं वायरसेस जो हैं वो सिस्टम थ्रेड्स हैं, प्रोग्राम थ्रेड्स नहीं होते। जब भी हमारे सिस्टम में कोई ख़राबी पैदा होती है तो जो सबसे पहले हमारे माइंड में बात आती है वो यही है कि शायद वायरस है, तो हम फ़ौरन से एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता। जैसा कि हमने अभी देखा कि बहुत सारी टाइप्स हैं थ्रेड्स की और उनके हर सब के लिए जो है वो एंटीवायरस ही काम नहीं करता, बल्कि डिफरेंट एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं जो कि जिसकी वजह से आपका सिस्टम प्रोटेक्ट और सिक्योर रह सकता है। वायरस भी जो एक स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है जो कि प्रोग्राम में पहले से ही एम्बेड होता है, और ये क्या करता है, इसकी खासियत ये है कि ये अपने आप को डुप्लीकेट यानी रेप्लिकेट करता रहता है और दूसरी फाइल्स को भी डैमेज करता है। एज यूज़र एक्सेस द प्रोग्राम द वायरस स्टार्ट्स गेटिंग एम्बेडेड इन अदर फाइल्स प्रोग्राम एंड कैन मेक सिस्टम अनएबल अनयूजेबल फॉर यूज़र। यानी कि ऐसा प्रोग्राम जिसमें वायरस का कोड जो है एम्बेडेड है उसको जब यूज़र एक्सेस करता है या उसको एग्जीक्यूट करता है तो वो वायरस क्या होता है अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, दूसरी फाइल्स में जो है वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा सिस्टम जो है वो वायरस की जद में आ जाता है। कॉमन वे ऑफ रिसीविंग अ वायरस इज़ द डाउनलोडिंग प्रोग्राम्स फाइल फ्रॉम इंटरनेट और एक्सचेंजिंग डिस्क दैट कंटेन अ वायरस। तो बेसिकली ये आता कैसे है कि जब हम कोई ऐसी फाइल या जो डाउनलोड करते हैं प्रोग्राम इंटरनेट से उसमें वायरस होता है, या फिर डिस्क एक्सचेंजिंग के दौरान या यूएसबी वगैरह के एक्सचेंजेस के दौरान जो है वो सिस्टम में वायरस आ सकता है। दूसरी टाइप सिस्टम थ्रेड्स की है वर्म। वर्म इज़ अ प्रोसेस दैट यूजेस द स्पॉन मैकेनिज्म टू स्ट्राइक द सिस्टम परफॉर्मेंस। ये भी एक ऐसा थ्रेट है जो अपने आप को अपने ऑफस्प्रिंग जनरेट करता है, स्पॉन मीन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। फिर सिस्टम जो है वो उन्हीं को एग्जीक्यूशन एज अ प्रोसेस कंसिडर करते हुए प्रोसेस करता रहता है, तो जिससे क्या होता है सिस्टम रिसोर्सेज बिजी रहते हैं, जो एक्चुअल हमारे प्रोसेस होते हैं वो वेट में लगे रहते हैं। अ वर्म प्रोसेस जनरेट इट्स मल्टीपल कॉपीज वेयर ईच कॉपी यूजेस सिस्टम रिसोर्सेज प्रिवेंट्स ऑल अदर प्रोसेस टू गेट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। ये भी जो है इसका भी जो जरिया है वो आपके पास इंटरनेट है या आपने कोई ऐसी फाइल डाउनलोड की जो कि वर्म्स पर मुश्तमिल थी, तो जैसे ही वो एग्जीक्यूट हुआ उसके ऑफस्प्रिंग या उसके जो है वो सब वर्म्स जनरेट हो जाते हैं, फिर रिसोर्सेज जो हैं कंप्यूटर के सिस्टम के वो उसी को ही एग्जीक्यूट करने में बिजी रहते हैं क्योंकि वो अपनी मजीद कॉपीज जनरेट करता रहता है, तो फिर जो अदर प्रोसेस होते हैं वो सिस्टम तक एक्सेस नहीं हासिल कर सकते, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपका पूरा नेटवर्क जो है वो शट डाउन हो जाता है। थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम थ्रेट इज पोर्ट स्कैनिंग अटैक। अ पोर्ट स्कैन इज अ कॉमन टेक्निक हैकर्स यूज टू डिस्कवर ओपन डोर और वीक पॉइंट इन अ नेटवर्क। पोर्ट स्कैनिंग क्या है, ये भी एक टेक्निक है जिसको ज़्यादातर जो है वो साइबर क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं, कि ये देखते रहते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई ऐसा वीक पॉइंट उसका मिल जाए जहाँ जिसे वो डाटा एक्सेस कर सकें,
यानी कि कोई पोर्ट तक एक्सेस मिल जाए जहाँ से यूज़र जो है या कंपनी डाटा सेंड और रिसीव कर रही है, या ऐसा तब होता है जब कंपनी प्रॉपर फायरवॉल यूज़ नहीं कर रही तो उसकी सिक्योरिटी जो होती है वो खतरे में. इट कैन ऑल्सो रिवील वेदर एक्टिव सिक्योरिटी डिवाइसेस लाइक फायरवॉल्स आर बीइंग यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. तो पोर्ट स्कैनिंग अटैक भी बहुत कॉमन है आजकल और एज अ सिस्टम थ्रेट है ये भी. तो थ्रेट को डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन को किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं, यानी प्रोटेक्शन मेथड कौन से हैं. तो कुछ कॉमन मेथड है जिनमें फर्स्ट जो है वो ऑथेंटिकेशन है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम तक ऑथेंटिकेट यूजर्स को ही एक्सेस की जाए जो कि ऑथोराइज हैं. तो इसको इंश्योर कैसे कर सकते हैं, थ्रू यूज़र नेम एंड पासवर्ड. यानी कि उन लोगों को जो कि वैलिड यूज़र हैं उनको यूज़र नेम और पासवर्ड असाइन कर दिया जाए, और वही जो कि करेक्ट वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ यूज़रों का वही एक्सेस कर सकता है. सेकेंड इसकी टाइप है यूज़र कार्ड. यूज़र कार्ड लाइक पंच कार्ड होते हैं, जिसके जिस यूज़र के पास वो यूज़र कार्ड होगा वो उसको स्लॉट में इंटर करके जो एक्सेस हासिल कर सकता है. थर्ड टाइप है यूज़र आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन यूज़र मतलब कि उसके एट्रीब्यूट की आइडेंटिफिकेशन, कि या तो फिंगरप्रिंट रख लें या रेटिना स्कैनिंग, कुछ ऐसा मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड किया जाए सब यूज़र को. सेकेंड इसका मैकेनिज्म ये है प्रोटेक्शन मेथड वन टाइम पासवर्ड, इसको OTP भी कहते हैं. OTP इज़ एन ऑटोमेटिकली जनरेटेड न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स दैट ऑथेंटिकेट्स द यूज़र फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन और लॉग इन सेशन. OTP यानी वन टाइम पासवर्ड क्या है कि ये जब भी यूज़र लॉग इन करता है तो तब नया जनरेट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम आप अपना अकाउंट लॉग इन करते हैं तो आपको आपके जो आपने पहले नंबर या ईमेल दिया होता है उस पे आपको एक कोड आता है, तो वो कोड जो है आप इंटर करते हैं देन आप एक्सेस करते हैं, उसको हम OTP या वन टाइम पासवर्ड कहते हैं. वन टाइम पासवर्ड जो है वो थ्री टाइप के हो सकते हैं, मतलब कि कॉल आ सकती है, कॉल के थ्रू हो सकता है, ईमेल के थ्रू हो सकता है, और सिंपल मैसेजेस के थ्रू हो सकता है. तो ये मोर सिक्योर होते हैं देन स्टैटिक पासवर्ड, क्योंकि स्टैटिक पासवर्ड चेंज नहीं होता. ये जो है वो हर दफ़ा जितनी दफ़ा आप लॉगिन करेंगे उतनी दफ़ा ये चेंज होगा, तो इसलिए मोर सिक्योर है, कोई इसको गेस नहीं कर सकता और ना ही ये स्टील हो सकता है. तो टॉपिक हमारा यहाँ एंड होता है. अब हम हर वीडियो में एक वोकैबुलरी का वर्ड भी सीखा करेंगे. तो वर्ड ऑफ द डे है मलिशियस. आपने देखा होगा कि थ्रू आउट वीडियो ये वर्ड जो है बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, जिसका मतलब है इवल और इंटेंडिंग और इंटेंट टू डू हार्म, यानी कि आप इरादा हो नुकसान पहुंचाने का बदनीयती पर मबनी, इसका मतलब ये है. तो अगर हम इसका सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे, द टॉक वाज स्लाइटली मलिशियस, यानी उनकी गुफ्तगू ज़रा जो बदनीयती पर मबनी थी. वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई अदर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें. अल्लाह हाफिज़.